हाथ थाम के छोड़ना नहीं, वादा किसी से करके तोड़ना नहीं, कोई अगर तोड़ दे दिल आपका तो बिना हाथ पैर तोड़े उसे छोड़ना नहीं। ये शायरी है बिग बॉस के घर वालों के लिए। ये शायरी इसलिए क्योंकि हो ही कुछ ऐसा रहा है, एक जगह नेशनल टेलीविजन पर अपने पति नील भट्ट को ऐश्वर्या शर्मा धमकी दे रही है, तो दूसरी जगह मुनव्वर और मन्नारा के बीच गुपचुप कुछ कुछ चल रहा है, और तीसरी जगह एक टास्क के लिए आपस में भिड़ रहे हैं 6 कंटेस्टेंट्स। बिग बॉस के घर में जब तक ऐसा मिर्च मसाला ना मिले ना, तो देखने का मजा भी नहीं आता। पहले बात करते हैं मुनव्वर और मन्नारा के बारे में, यानी कि उनके बीच क्या चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। बिग बॉस 17 के घर में मुनव्वर फारूकी और मन्नारा चोपड़ा की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। मुनव्वर ने ये माना है कि वो मन्नारा को पसंद करते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि बिग बॉस इस शो के बाहर निकलने के बाद दोनों के रिश्ते का क्या होने वाला है। अंदर कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ कुछ चल रहा है। हाल ही में रिंकू ने मुनव्वर और मन्नारा से उनके रिश्ते के बारे में पूछा। अब मुनव्वर ने रिंकू से कहा कि मैं मन्नारा से पूछ रही थी कि क्या आप दोनों की फ्लर्टिंग चल रही है, अट्रैक्शन है या बस ऐसे ही मजाक है। तो इस पर मुनव्वर कहते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ, अटेंशन या फ्लर्टिंग नहीं है, लड़की के तौर पर वो मुझे पसंद है, बतौर दोस्त पसंद है, अब दोस्ती है तो थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, हम एक दूसरे पर चिल्ला भी लेते हैं। मुझे पता है जब बिग बॉस खत्म होगा मैं 6 महीने बाद मन्नारा को मैसेज करके याद दिलाऊंगा कि चाय के लिए मिलते हैं, तब ये जवाब देंगी मैं लंदन हैदराबाद में हूँ तहलका भाई के बाउंसर्स के साथ। तो वहीं पर बैठी मन्नारा कहती हैं और जवाब देती हैं कि अगर कोई मेरा पीछा करना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगी। फिर वो बोली, कोई मेरे साथ आना चाहता है तो मैंने रोका नहीं है। तो इससे कुछ कुछ तो साफ हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए बात करते हैं अपने पति पर क्यों बरस पड़ी ऐश्वर्या शर्मा। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमेशा पति ही तो फंसता है या उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, हमेशा पति को ही सुनना पड़ता है। वैसे ही नील सोच रहे होंगे कि यार क्या मेरी बीवी नेशनल टेलीविजन पर मुझे धमकी दे रही है, गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती। दरअसल आपको बताते हैं मामला कहां से शुरू हुआ। अभिषेक कुमार की घर में सभी कंटेस्टेंट से लगभग लड़ाई होती रहती है। अभी हाल ही में उनकी और ऐश्वर्या शर्मा की किसी मुद्दे पर बहस होती, लेकिन नील भट्ट को काफी गुस्सा आ जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ऐश्वर्या नील को अलग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है। लड़ाई के बाद ऐश्वर्या बैठी होती हैं, तो नील बार बार उन्हें मनाने के लिए जाते हैं और उन्हें शांत रहने को कहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या उन्हें दूर जाने को कहती है। फिर कहती है वो कि मुझे शांत मत करो, मुझे बोलने दो। फिर नील कहते हैं कि बाबू मैं तेरे लिए सब कर रहा हूँ, तू इतना गुस्सा करेगी तो तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी ना। तो फिर ऐश्वर्या कहती हैं कि वो खुद को संभाल लेगी, उन्होंने खुद को 9 साल तक संभाला है, कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी की। जिस तरह से फिर ऐश्वर्या ने नील के साथ रिएक्ट किया, जिस तरह से उनका रिस्पॉन्स देखने को मिला फैंस को, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और अब ऐश्वर्या शर्मा को ट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताते हैं, चलते हैं टास्क की ओर, जहां पर बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया। राशन के लिए बिग बॉस ने टीवी और ओटीटी कलाकारों के बीच फेस ऑफ रखा। इस फेस ऑफ के दौरान 6 सदस्य आपस में भिड़ गए। वो 6 सदस्य आपको बताते हैं कौन थे। सनी आर्य, अंकिता लोखंडे, अरुण श्रीकांत, ऐश्वर्या शर्मा और अनुराग डोभाल और ईशा मालविया, एक दूसरे की उन्होंने क्लास लगाई। अब इस टास्क में जो बहस हुई वो रुकने का उसने नाम ही नहीं लिया, लेकिन इस बीच ईशा मालविया की एक स्टेटमेंट ने सबका ध्यान खींचा। ईशा मालविया का कहना था कि हाँ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जो हूँ दिल से हूँ और सबके मुंह पर हूँ। हाँ मेरे ऊपर एक कलंक लगा है कि ओ प्रेजेंट भी है, एक्स भी है, लेकिन वो गर्व से कहती हैं कि वो अपने दम पर आई हैं। फिलहाल और भी बहुत सारी यहाँ पर ट्रोलबाजी चल रही है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त बिग बॉस 17 के घर में चल रहे हैं। लेकिन इस बीच आप हमें ये बताइए कि आपका बिग बॉस के घर में फेवरेट कौन है और वो आपका फेवरेट क्यों है, हमें कमेंट करके बताएं अपनी राय। और तमाम इसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।